मधुकुंज गोल्ड ऑफर। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम से दिन से मठर से घटना पाई आपण मते भूल बुझथिबे, मो पर लागी थिबे। आज भी हठात आपण को सामना को चली आसली बोली आपण मते खराब भावथिबे। एटा गोटे कोइंसिडेंस मैडम, से दिन से घटना रे मोर भूल थिला आउ आज हठात आपण सामना को चली आसली एटा गोटे संजोग मात्र। प्लीज मते आपण खराब भावंतु नै। आपण को कथार लागुछि आपण पाठशाला पढ़ी छथि? हाँ मैडम। आपण को घर कोठी? कोठी भी नहीं। माने सठिक ठिकाना नहीं मैडम, आज एठी कल सेठी जाजाबर जीवन आपण कहि परंती। अच्छा से झियोटा के जी जी झियो को को झियो सेदिन आपण जो झियोर नानी मते डाकी थिले? सॉरी मैडम, से दिन घटना पाई मु आपन को क्षमा मागि नउ छी। से दिन से भूल पाई मु आज भी अनुताप करू छी। ना ना, मु आपन को अनुताप करे कहुनी कि भूल मागे कहुनी। मु एबे बुझी पारु छी आपन से दिन जानी जानी ये भूल कर न थिले। थैंक यू मैडम, थैंक्स अ लॉट। ये तो बड़ा अजब लोक, से झियो ना पछलरु एमती कहीं रैक कला। स्वाति कौन हला? तमें कौन भारी टेंशन ले थिला भले जोना पड़ चो? हाँ, टेंशन हवा टा भी स्वाभाविक। बापा माँ तुलसी भाभी के चोगो छको अगणा रे लगे थिले। सीए जदि परे बिछुआती बोली जोना पड़े, ताले टेंशन हवा नहीं केमी। कौन तुम्हें कहवाक चाहू? ना ना, मु किछ कहूनी। तुम्हें जहाँ मत कही खाली से कथा तुमको सुनाऊ। को कथा? तुम भौणी श्री आपा कथा मोर ठीक मन अच्छे। ये किछि दिन आगर तुम्हें मत शासन कला भली कही थिला कि श्रीआपा को तमे बहुत भल पाओ। से बिचारी बड़ दुखी, तांको आक्षेप कला भले कौन से कथा मुझे इंती न कहे। मोर भी कौन दरकार थिला तांको किछि कहिबा, किंतु तमे जहाँ मते मना करथिले कहिबा को से कथा एबे सहर सारा लोक कहुछत, थट्टा करुछत। से मानको मुह को तमे कौन बंद कर दी पारिबो? ओ सेमानों को भीतर तुम्हें भी ताहले जड़े? ना ना, से लोक मान भीतर मु जड़े एमती मु भाविन, किंतु तुम्हें जदि सेमती कहुच ताहले मु कह भी तुम्हें किसी भूल कहुन। श्री भाउज, अरे मु तो तुम भाउज पर झी, किंतु तुम अपा प्रज्ञा और तुम दी भाई सेमान तो तुम निजर ए घर पुआ झियो। से माने श्री आपा को आगरु जति की प्रशंसा करूथिले, तांको दुखरे जति की दुखी होउथिले, एबे कोन सेमिति करूचंती? श्री आपा जहा कले भूल कले बोली कहुना, से मानन कथा छाड़ो, तुम बापा मां कथा देखुन। से माने तो श्री आपा को जन्म दे, बापा माँ हिसाब से कौन कहूना?
श्री आपा जहा कले भूल कले कहा विषय रे किछि कहिबा अगरु आग पछ चिंता करि कहिबा उचित से दिन श्री आपा को बड करि केते कोन कहि गलो किंतु एबे एबे तमे निज आखिरे निजे छोट होइ गलो सरिला ना आउ किछि कहिबा आउ पदे कहिबार अछि मते समस्त कोन डाकंती कहिलो श्री तेणु मु तम घर को आसी तम घर स्त्री बढ़ेबा श्री को जदि तमे माने निंदा करिबो ताकु छोटो देखे हे हतश्री करिबा को चेष्टा करिबो ताहले तम घर भी दिने हतश्री हे जीव आउ तम मानकर जीवन भी हतश्री हे जीव तार ज्वलंत उदाहरण होचंति श्री आपा दिने मो मुंडरे सिंदूर लगेनी भाभी मते दुनिया कथा भाषण दे गले सिंदूर न लगेले कोडे बाहर लोक खराब भाबिबे बोली बुझौथिले किंतु एबे एबे से विधवा हे मुंडरे सिंदूर लगे दुनिया लोकंकर दुनिया कथा सुनुचंति भगवान करंतु मते छोट देखेबा को चेष्टा करी ए घरे आउ कहा को छोट होबा को न पडू ଶ୍ରିୟା ଘଣ୍ଟାଟା ଆଣିଲ ଆରେ ପାଇଲ ନା ନାଇଁ ମ ଆରେ ବନ୍ୟା ଏତେ ଦିନ କି ଆମ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ ବୋଧେ ତାକୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ ବୁଝିଲ ନା ତମେ ଗଲା ପରଠୁ ଆମ ଦୁଆର ମାଡ଼ୁନଥିଲା ହେଇ ତମେ ଆସିଲ ଆଜି ହାଜର ଆଗରୁ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତି ଯେ ଭାଉଜ ତ ନଥିଲେ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି ତମେ ଗଲା ପରେ ପରେ ମତେ ବି ପର କରିଦେଇଥିଲା ମୁଁ ପର କରିଦେଇଛି ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ତ ତମ ନିଜକୁ ପର କରିଦେଇଥିଲ ବୁଝିଲ ଭାଉଜ ସେତେବେଳେ ଇଏ ହୋଷ୍ଟରେ ନଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରିୟା ଶ୍ରିୟା ହେଇ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ହଉଥିଲେ ଯାହା କହ ଭାଉଜ ଜିମି ଭାଇ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏ କଥା ତମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ହଉ 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 ସିଏ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏ କଥା ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ହେଲା ଏନିୱେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଆସେ ହଁ ବନ୍ୟାକୁ ନ ଖୁଆଇ ଛାଡ଼ିବନି କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ତମ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ କୁଆଡ଼େ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଖୁଆଇ ଛାଡ଼ିବ ଆସୁଛି ବାଇ ଏବେ ତୁମକୁ ଭାଉଜ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିବି ନା ନା ଧରି ଡାକିବି ନା 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 ଏବେ ଆଉ ନା ଧରି ଡାକିବାଟା ଠିକ୍ ହବ କାରଣ ତମେ ଏବେ ଜିମି ଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଏ ଘରକୁ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଭାବିକି ଚାଲି ଆସିଲଣି କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତମ କଥା ଆଉ ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିଗଲା କେମିତି ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ତମର ମନେଥିବ ସେଦିନ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଜିମି ଭାଇ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ ତମେ କ'ଣ କହିଥିଲ ତମର ମନେଥିବ ଯଦି ମନେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ସେଦିନ ତମେ କହିଥିଲ ଜିମି ଭାଇ ତମ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି ତମେ ଜିମି ଭାଇକୁ ବାହାଇ ଅନୁତାପ କରୁଛ ଆଉ ହଁ ଏକଥା ବି କହିଥିଲ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଫେରିଥିଲ
जिमी भाई तुम मथार जो सिंदूर पिंधि से सिंदूर मीछ कि आज आज से मीछ सिंदूर को सत कर तुम तुम मथार पिंधिल कमी जो जिमी भाई को डिवोर्स आज तक स्त्री है ए घर को फेरी आस कमी मधुकुंज गोल्ड अपा मना करते पीना पीदलो अरे 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 धरा जो जिमी भाई को डिवोर्स दे दी थी आज तक स्त्री है ए घर को फेरी आसो कमी भूल थिला बने कोटा जिमी भाई को छाड़ी चली जीवा ना ए घर को पुणी फेरी आसीबा ए घर छाड़ी चली जीवाटा मोर भूल निष्पत्ति थिला आर यू श्योर श्योर ना हेतिले मुई ठीक आसी थानी कहेंगे किंतु हटा तेमते मिराकल हैला कि निष्पत्ति बदलवार तो किसी कारण थी ना सेमती किसी भी कारण नहीं एमती करने को तुमको बाध्य करना तो ना मुझे जानी जिमी भाई एंजॉय हॉस्पिटल एडमिट होला परे चरण अंकल तुमको जोर कर हॉस्पिटल को नहीं आसते हॉस्पिटल तुम तुम इच्छा जा न तुम अनिच्छे बाध्य हो जाए से जिमी भाई को देखला परे हठात तुम चिंताधारा बदली गला कमी तुम अपा जो पुलिस नहीं तुमको नवाक आस तुम एमती कहीं कहल कि तुम तुम इच्छा टी आस निज भूल बुझापी कि निर्दिष्ट समय न था निज भूल को जेकोसी मुहूर्त मनीष बुझीपार तुम भाई को हॉस्पिटल ये सीरीयस अवस्था देखा पर मत कहीं लगे मु भूल करुच्चर अलग ही प्रति अन्याय करे किसी बोली भाभी मु बहुत डरी जा हाथ में सिंदूर पिंधि जीवनी तेणु सामाजिक दृष्टि से मो स्वामी और स्त्री आत्री हिसाब से स्वामी असुविधा समय पाखेपाखे रहा मोर कर्तव्य आबे मुझे पिलार माँ हवा को जा पछ कथा सब भूल मो स्वामी और संसार को धरी बाकी जीवन काटबी मन कर निष्पत्ति भी बदल मो स्वामी और ससुर सहित ए घर को फेरी आसिले वाओ ग्रेट तुम जदि एमिति भाबि ए घर को फेरी आसछो ताले मु तो कहबी यू आर रियली ग्रेट भौजो मु तुमको सैल्यूट करूछी एते भलो निष्पत्ति नै तुम ए घर को फेरी आसछो मु कोन कहि तुम प्रशंसा करबी मु निजे भी भाबि करनी नै बन्नी तुम प्रशंसा रे मु खुशी हेबी बर तुम खुशी खुशी तुम भाई कहीगले मो हाथ रंधा तुमको बहुत भल लगे मो हाथ रंधा खाई तुम्हें जब खुशी हम तेल से सब बड़ प्रशंसा हम तुम्हें बस मुझे खावा पड़ी हेलो
चिन्ह पार्लानी केमिति अछ हां सेमते लागो छी तमा मनटा बदे भलो नै एनी प्रॉब्लम ना ना सेमते किछ कथा नै देखो या गुरु हमर देखा हि छी किंतु एमिति गुमसु म तमको केबे भी देखिनि प्रॉब्लम ता पर्सनल लाइफ रो ना फैमिली लाइफ रो जने फ्रेंड सर पचार छु यदि कहया को न चाहौ था इट्स ओके नो प्रॉब्लम ना को घरे बेले बेले एमिति किछ समस्या आसे जहाँ किसी समय घर लोक ब्रत कर दिए कि भल लगे हटात एम घटना घटले समस्त डिस्टर्ब हो जाती बुझीपार तमें भी डिस्टर्ब अप्रीतिकर पिस्थित धर्ज न रे भूली जावा उचित आर्तमान को बर्तमान रखी आगे ही सब भल एत सहज नुह तुम भाई कि भौणी जाए जदि गोटे एमती जगह रुहे जोटि तार जावा उचित नुहे ताहले तमु केम लागिवो निश्चय खराब लागिवो किंतु किछ कथा मा आयतर न थाए बुझवार बयस हला परे भी जदि केई भूल करिवो से आप आमे दुख करि परिबा किंतु परिस्थिति को बदलै परिबानी हां सेटा अवश्य ठीक तथापि मोर कथा रखिवो कोन बेसी न हले भी पांच मिनट पई भूली जाओ घर के चसुदा हितला बोल मन को हल्का करनियो देखिवो परिस्थिति एते भी डिस्टर्ब करिबोनी दैट्स गुड अशांत मन को शांत करने हसठ बड़ मेडिसिन आउ ना हाँ जहा भी कह मो मन किंतु बुझुनी श्रिया तो संगे आसिलानी सत किंतु से चरण घरे खुशी अच्छी यही मुझे विश्वास कर मत भी से लगुच झी मोर कहीं चरण घरे रही राजी है कहीं जिमी पाख को फेरीगला तो किसी हेल्ला बुझीपार मुझे सब बुझीपारी नुहेमा श्रिया हठात एमती बदली जावाटा किसी साधारण कथा नुहे या पछरे निश्चय किसी बड़ कारण अच्छे मु भी से कथा को स्वीकार करुची तेबे से विषय श्रिया मुहर किसी न जाणी पर्यंत सतटा कौन जाणी बहुत कष्ट कष्ट ही पारे किंतु असंभव नुहे मोर विश्वास तू जदि जानिबा को चाहिबु श्रेया काहि केमति कला जानि परिबु मु जानिबा को चाहुनी कि सेति पई चेष्टा करूनी तमे एमिति काहि कि भाबुछ मते तो लागुछि ए सब रीतिमत प्लानिंग रहैछि ता न होइतले जिमी माडो खाइबा चरण श्रेया को आसी आमो घरु नै जिबा श्रेया हॉस्पिटल गला परे मो सांगरे न आसीबा स्वाभाविक मने होउनी कौन ही पर बोली तू भाबुचु किछि भी मु भाबी परुनी मा तेबे हां गोटे कथा मने होची कौन जिमी को किए मारिला काहे की मारिला से माड़ खाई रास्ता पर पड़ीतला बले एते शीघ्र केमिति जे हॉस्पिटल ले पहुंचिला से कथा जानिबा प्रथमे मोर निहाती दरकार ए सब कथा जाना पड़ला परे प्रकृत घटनाटा स्पष्ट जना पड़ जिवो श्रिया भी जिमी सांगरे जाय काहे कि से घरे रहला से कथा भी मु जानि परिबे किंतु से कथा जानि हबो केमिति चर
ଚରଣ ଯେତେବେଳେ କିଡନାପ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଶୁଣିଛି ଚରଣ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଯଦି ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ମା, ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଜିମିକୁ କିଏ ମାରିଥିଲା ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ୟା ପଛରେ ଜିମି କି ଚରଣର କିଛି କନ୍ସ୍ପିରେସି ଅଛି ନା ଘଟଣାଟା ଅନ୍ୟ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଲିସ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିବନି। ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଶ୍ରେୟା ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତା କି? ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରନ୍ତି ସେ ଏମିତି କାହିଁକି ଗଲା। ନାଇଁ ମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତୋ ସହିତ ତାର ଦେଖା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ ହଁ, ଯଦି ବି ତୋର ତା ସହିତ କେବେ ଦେଖା ହୁଏ ତୁ ତାକୁ କିଛି ବି ପଚାରିବୁନି, ତାକୁ କିଛି ବି କହିବୁନି। ହେଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛୁ? ସିଏ ଏବେ ତୋ ଝିଅ ହିଁ ନାହିଁ ମା, ତା ଇଚ୍ଛାରେ ହଉ କି ପରିସ୍ଥିତି ଚାପରେ ହଉ ସେ ଏବେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆମକୁ ପର କରିସାରିଛି। ସେଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପମାନିତ କଲା ତତେ ବି ସେମିତି କରିପାରେ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମାର ଅଧିକାର ନେଇ ତୁ କିଛି କହିଲା ବେଳେ ତୋ ସମ୍ମାନକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳି ସେ କିଛି କହୁ। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ସତରେ ସେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ? ହଁ ବାପା, ସେଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣିଛି, ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛି। ସେ ମାଆକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କଥା କହିବାଟା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ତ କଥା ନହେଇ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଚାରିବି ମା, ଯଦି କେବେ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖା ହୁଏ ମୋର ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ତାକୁ ପଚାରିବି। ସେଦିନ ସେ ମୋତେ ଯାହା ସବୁ କହିଛି ତାରି ଭାଷାରେ ତାକୁ ମୁଁ ଜବାବ ମାଗିବି।